ग्वालियर पुलिस को शातिर अपराधी जमाल उर्फ करुआ को शार्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। शातिर बदमाश जमाल पर पुलिस की ओर से 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। शातिर अपराधी जमाल उर्फ करुआ को ग्वालियर पुलिस ने शार्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से घायल आरोपी जमाल को ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आरोपी ने बहोड़पुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में एक बुजुर्ग महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी बुजुर्ग महिला की हत्या में वांटेड रहा है। कुख्यात अपराधी जमाल पर पुलिस की ओर से 30,000 का इनाम घोषित था। जमाल को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।